नमस्कार, इंडिया वॉच देख रहा मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्त पंत। योगी सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की चर्चा है, लेकिन सरकार की तरफ से इससे इनकार कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जल शक्ति विभाग में तबादलों और हसनापुर में अपने समर्थकों पर FIR लिखे जाने से राज्य मंत्री दिनेश खटीक नाराज हैं। मंत्री दिनेश खटीक ने आरोप लगाया कि दलित होने की वजह से विभाग में उनकी सुनवाई नहीं होती है, उन्हें किसी बैठक की सूचना भी नहीं दी जाती है। गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा कि मंत्री के अधिकार के तौर पर मुझे सिर्फ गाड़ी दे दी गई है। मंत्री ने ट्रांसफर के मामलों में भी बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए, उन्होंने कहा, बेकार है। इन्हीं बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। अब राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। इस्तीफे की खबर पर अब विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। सपा प्रमुख ने इस्तीफे की खबर पर तंज कसा। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा, जहां मंत्री होने का सम्मान लेकिन परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण बीजेपी सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। उन्होंने कहा कि कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। कोई विषय नहीं है यार, जिस तरह की जानकारी मिल रही है, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई, कोई विषय नहीं। और मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबर पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान, तो इस तरह से मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण बीजेपी सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण बीजेपी सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। तो ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने और तंज कसा है। तो अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई, इस पर बयानबाजी आनी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, ट्वीट किया है, लिखा है, ऐसी भेदभावपूर्ण बीजेपी सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कहा, कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। तो जिस तरह से बहुत सारे आरोप मंत्री ने लगाए हैं, उसके बाद से कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं और अब बाकायदा विपक्ष भी तंज कसना शुरू कर चुका है। बीजेपी को अखिलेश यादव ने घेरा है और ट्वीट किया है, लिखा है कि बीजेपी सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने योगी सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, PWD विभाग, पशुपालन विभाग में तबादलों में हुए घोटाले के बाद जल शक्ति विभाग में हुए तबादलों से आहत होकर दलित समाज के मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दिया। ये लिखा है उन्होंने, संजय सिंह ने, और ट्वीट किया है बाकायदा। कई सारे उन्होंने आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि जब घोटाला योगी सरकार का, तो इस्तीफा अमित शाह को क्यों? तो संजय सिंह ने भी ट्वीट किया है और ये निशाना साधा है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हारे हुए सभी लोग बी टीम के हिस्सा हैं, मैं भी तो हूं। उन्होंने कई सारे सवाल उठाए। साफ साफ उन्होंने सपा से गठबंधन को लेकर कहा कि जिस दिन अखिलेश यादव तलाक दे देंगे उस दिन अलग हो जाएंगे, अभी गठबंधन में है। साथ ही उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि देश लगातार जिस तरह से गठबंधन से जूझ रहा है और अखिलेश यादव जिस दिन तलाक दे देंगे उस दिन अलग हो जाएंगे, कहा कि गठबंधन खत्म, चुनाव में हारे सभी लोग बी टीम के हिस्सा हैं। गठबंधन को लेकर जो सवाल इन दिनों उठ रहे हैं उसी को लेकर ओम प्रकाश राजभर से सवाल जब पूछा गया
क्योंकि आपको याद होगा ओम प्रकाश राजभर ने जब आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव हुए, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी हारी। उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा था कि एसी कमरों से बाहर निकलना होगा, यानी कि अखिलेश यादव के लिए उनका तंज था। वार पलटवार हुआ और अब गठबंधन को लेकर उनसे सवाल जब पूछा गया तो ये प्रतिक्रिया ओम प्रकाश राजभर की सामने आई है। क्या दिक्कत है आपको? या देश गठबंधन से जूझ रहा है? देश की सरकार, प्रदेश की सरकार सब गठबंधन से बन रही है। देश में 50 दलों को मिला करके माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है। यूपी में योगी जी को ही देख लीजिए, यहाँ गठबंधन की सरकार है। बिहार में सरकार है, राजस्थान, सब जगह तो गठबंधन की सरकार है। यानी आप समाजवादी पार्टी से आपका वो खत्म हो गया? जिस दिन अखिलेश जी तलाक दे देंगे उसी दिन खत्म। नेता जी तलाक कैसे मानेंगे? अखिलेश जी कह दें क्या अभी गठबंधन में है? और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना की दूसरी सालगिरह पर गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 7,48,00,000 रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। इस दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर सहित कई नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि गोबर खरीदी के एवज में आज किए गए भुगतान की राशि को मिलाकर अब तक 153.44 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। योजना के तहत अब तक गोठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को 147.99 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। तो रायपुर में गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने भुगतान किया। सीएम बघेल ने दूसरी सालगिरह पर यह शुभारंभ किया और ऑनलाइन भुगतान भी इसमें हुआ है। 7,48,00,000 रुपए का ऑनलाइन भुगतान हुआ है और कहा कि जिस तरह से योजना आगे बढ़ रही है वो बहुत अपने आप में सराहनीय है। तो गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में जो चल रही है उससे लाभान्वित जितने भी लाभार्थी हैं उनको ऑनलाइन भुगतान हुआ है। 7,48,00,000 रुपए का इसमें ऑनलाइन भुगतान किया गया है सरकार की तरफ से। और पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राजधानी रांची के पुरानी विधानसभा सभागार में कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई है। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार बने 3 वर्ष होने को है। उन्होंने वादा किया था कि सरकार में आते ही पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का काम करेंगे, लेकिन ये सरकार पिछड़ों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा आने वाले समय में राज्य के सभी जिलों में आंदोलन करेगी। तो 27% आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की रांची में बैठक हुई पुरानी विधानसभा सभागार में। आज सभी लोग इकट्ठा हुए, बैठक आयोजित हुई। हेमंत सरकार ने कहा कि वादा खिलाफी की है, जो वादा किया था दरअसल 27% आरक्षण को लेकर हर जिले में अब उन्होंने कहा कि आंदोलन किया जाएगा। तो ये संघर्ष मोर्चा जो पिछड़ा वर्ग है उसकी बैठक पुरानी विधानसभा सभागार में हुई। के बैनर तले प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। प्रदेश कार्य समिति का आज के बैठक का मुख्य विषय है झारखंड सरकार लगातार हेमंत सरकार पिछड़ों का जो आरक्षण 27% से घटा करके झारखंड में 14% कर दिया गया है और पिछड़ों का जनसंख्या 56% को देखते हुए। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से आरा के सांस्कृतिक भवन में क्षत्रिय समाज शौर्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भोजपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर रिंकू मुखिया ने कहा कि अभी भी सरकार से जो हक अधिकार मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल पा रहा है।
और खबर सोनभद्र से। सोनभद्र, ओबरा और चौकी घेरावल थाना के साइबर सेल समेत कई जगहों पर तैनात उप निरीक्षकों का तबादला कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एसवीर सिंह ने तबादले की लिस्ट जारी की है। जिले में 15 उप निरीक्षक के तबादले किए गए थे, तो वहीं 7 उप निरीक्षकों को पुलिस लाइन से सीधे थाने की कमान दी गई है। तो 15 उप निरीक्षक जिनके तबादले हुए हैं जिले में, और इसके अलावा कई जो उप निरीक्षक उनके भी तबादलों की लिस्ट सामने आई है। तो कुल मिला के 15 ये उप निरीक्षक जिनके तबादले किए गए हैं। पूरे जिले की अगर बात की जाए, लगातार आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से कई ऐसे विभाग जिनमें तबादले कई सारे हुए हैं, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग ज़िलों के। और इसी क्रम में अब खबर यह है कि जो लिस्ट आप देख भी रहे हैं, जिसमें 15 उप निरीक्षक जिनके तबादलों की ये लिस्ट सामने आई है। रायबरेली कोतवाली क्षेत्र के महिला जिला अस्पताल में अस्पताल कर्मचारियों ने डिलीवरी करवाने आए पीड़िता और उनके परिजनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मारपीट की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। तो महिला जिला अस्पताल में कर्मचारी किस तरह से गुंडागर्दी पर उतर आए, कर्मचारियों ने पीड़िता और उसके परिजनों को पीटा, मारपीट का आरोप है। और ये पूरी जो घटना है वो बताया जा रहा है कैमरे में कैद हुई है। तो महिला जिला अस्पताल की पूरी घटना है। हम बाहर खड़े थे, बोले थे अंदर जाने दे, जाने दे, बाहर के अंदर खींच के मारने लगे। कौन लोग थे जिसने मारा है? दो लोग थे। कहाँ के थे वो लोग? हॉस्पिटल के। कोई स्टाफ था? किस लिए मारे, क्या क्या बात हुई? अंदर जाने के लिए बोल रहे थे, कह रहे नहीं जाने के, मुझे जाने के, मरीज वहाँ तड़प रहा, पीछे धक्का दे के बाहर पकड़ के खींच के मारने लगे। हम बाहर खड़े थे, बोले थे अंदर जाने दे, जाने दे, बाहर बाहर के अंदर खींच के मारने लगे। तो वहाँ अंदर भरते रहे, हम थोड़ा मुझको मुसीबत लेके आने हुए, और जो हम बाहर पकड़ के हमको हमको अंदर जा दो, अंदर जा दो, अंदर जाने दिया थे, बात पकड़ खींचे जा रहा हूँ। तो मारपीट भी हुई क्या आपके साथ? खींच। आपका मरीज कहाँ पे भर्ती है? और संभल चंदौसी कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए चोरों के अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। चुराए गए 13 लाख नगद, जेवर, आईफोन, बाइक बरामद कर ली है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए गैंग के सदस्यों में 3 16 से 19 साल के नाबालिग हैं। फिलहाल ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। चोरों के अंतर्राज्यीय गैंग जिसका भंडाफोड़ किया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 13 लाख इनसे नगद, जेवर, आईफोन और बाइक बरामद कर ली गई है। फिलहाल इन सभी से पूछताछ हो रही है। चोरों के गिरोह का खुलासा किया गया है। इसमें कुल 2 अभियुक्त जिनके नाम गुड्डू और सूरज हैं, इनकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में 3 बाल अपचारी भी इसमें पुलिस के पास आए हैं, जिनको उचित वैधानिक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके पास से कुल 12,93,000 रुपये नकद, सोने चांदी के आभूषण, 4 नई मोटरसाइकिल, 5 आईफोन ये बरामद किए गए हैं। कन्नौज कोतवाली क्षेत्र के भूलभुलियापुर गांव में जमीनी विवाद में सपा के पूर्व जिला महासचिव संजय दुबे पर हमला किया गया। जमीन विवाद में दूसरे पक्ष के लोगों ने पहले सपा नेता के साथ मारपीट की, उसके बाद उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी छीनने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों के लोगों को पकड़कर थाने लाई। हमारा बुलुलियापुर के पास जीटी रोड पे प्लाट है, वो प्लाट हमारा बन रहा था, हम अपने प्लाट पे गए थे, प्लाट से उधर के जो बिजली का उधर पोल है तो उसे देखने हम गए, तो उसमें देखने में जो है धर्म भी मेरे साथ थे और एक लड़का प्रशांत वो था मेरे साथ, तीनों लोग हम लोग ये कह रहे थे खंभा गढ़ने के लिए। तो इतने में जो है मुन्नू ने अपने लड़के बुलाया कि जो राजीव भैया यहाँ, भैया यहाँ, राजीव, मुन्नू, अतर, संजीव, संदीप, चारों लोग आके बिंद गए हमसे।
उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत कई जिलों में अचानक तेज बारिश शुरू हुई, जिसके बाद मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी है। तो यूपी के कई ऐसे जिले जहां पर आज भारी बारिश हुई है। तो मौसम विभाग ने भी हाई अलर्ट जारी किया है। अलीगढ़ में बारिश कम हो रही, लेकिन अन्य जिलों में बारिश ने अतरौली तहसील में गंगा और खेड़ तहसील में यमुना नदी के किनारे वाले 28 गांव के निवासियों के सामने मुश्किल पैदा कर दी है। इन दिनों नदियों में बढ़ते जलस्तर की वजह से जिला प्रशासन सतर्क है। प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन टीम को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ चौकियों के अलावा कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे दोनों नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। तो अलीगढ़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो अतरौली क्षेत्र है गंगा नदी में, और वहाँ लगभग हमारे 16 गांव प्रभावित होते आए थे। हालांकि विगत 2013 से बाढ़ नहीं आई है, और हम लोग प्रतिवर्ष की भांति हमारी जो आपदा प्रबंधन योजना है बाढ़ की, वो हमारी पूरी तैयार है। बाढ़ चौकियों का भी गठन हो चुका है, सबकी ड्यूटी भी लग चुकी है, और शासन द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में हम लोगों के द्वारा मॉक ड्रिल भी अतरौली तहसील के सांकरा ग्राम में कराई गई थी, और हमारी तैयारी पूरी परिपूर्ण है। प्रतिदिन दैनिक बुलेटिन सिंचाई विभाग से दिया जाता है बाढ़ का, और जो भी जल स्तर है वो खतरे के निशान से कम है। जौनपुर शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी वार्ड के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का शव मिला है, हड़कंप मचा वहां पर, लगातार पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है, क्योंकि ये एक अज्ञात लोगों द्वारा मतलब बताया गया कि एक जो है बेहोश अवस्था में आदमी जो है पड़ा हुआ है, जहां हमारा पंजीकरण है उसके पास जो है, तो हम लोग जाके देखे जो है, उसको एग्जामिन किए तो उसकी डेथ हो गई थी जो है। ये उसकी शिनाख्त हो पाई है? नहीं, अज्ञात है, पता नहीं कहां का है। सूचना पुलिस को दे दी है? हाँ, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए जो है। मृतक का उम्र लगभग क्या रहा? लगभग 55 ईयर्स है। देवरिया जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बीएस कार्यालय और उप कृषि निदेशक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें 23 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बीएसए और उप कृषि निदेशक कार्यालय का जब निरीक्षण हुआ, जिलाधिकारी ने कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें 23 कर्मचारी वहां पर नहीं थे, अनुपस्थित थे, और अब कहा गया कि जो लोग नहीं थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी इन दिनों पूरे देश में पार्टी के विस्तार के लिए सदस्यता अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश भर में सदस्यता अभियान को लेकर सदस्य भी बनाए जा रहे हैं। तकरीबन 8,47,753 सदस्य बनाए गए हैं। प्रदेश में पार्टी को धार द्वीप के लिए प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक की कार्यकारिणी बनाई जाएगी। अब तक 319 प्रखंडों में चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सात अगस्त तक सारी कमेटी बनेंगी, और मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से प्रदेश के डेलीगेट वगैरह का चुनाव हो चुका है, उस हिसाब से हम लोग 15 अगस्त तक सारी कमेटी भी बनाने का काम करेंगे। हालांकि ये काम चुनाव आयोग का है जो कांग्रेस द्वारा बनाया गया है, तो उस चुनाव निर्वाचन आयोग वो फैसला करेगा, लेकिन हम समझते हैं कि जो प्रक्रिया चल रही है 15 अगस्त तक स्टेट डेलीगेट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जहां पर जो चुनाव के माध्यम से हो पाएगा वो किया जाए। सदस्यता का अभियान शुरू हुआ, यहाँ पर राजेश जी अध्यक्ष हैं आपकी अध्यक्षता में, और पूरी टीम जो प्रदेश की यहाँ थी उनके देखरेख में जब यहाँ शुरू हुई, और जनवरी से हम चुनाव की जो हमारी टीम है दिल्ली से वो भी यहाँ पर आई, और सब ने मिलकर इसमें जो प्रयास किया, तो हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इस बार कुल मिलाकर जो ऑफलाइन सदस्यता है, जो किताब वाली होती है जिसमें पर्ची काटी जाती है, वो 5,63,300 हुई, और साथ साथ जो डिजिटल मेम्बरशिप है जिसमें इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से वो मेम्बरशिप हुई है, वो 2
और बिहार में बढ़ते आतंकी गतिविधियों को देखते हुए आईबी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक पीएम मोदी और बिहार बीजेपी के कई नेता इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के निशाने पर हैं। इसके बाद बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने मांग की है कि बिहार के सभी मदरसों की एक बार जाँच होनी चाहिए। जिस तरह से पीएफआई की गतिविधि मदरसों को लेकर बढ़ी है, विदेशी फंडिंग हो रही है, ऐसे में जो भी मदरसों में पढ़ाई होती है उसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी आतंकी को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा, समय रहते उनके फन को कुचल दिया जाएगा। साजिश चल रही है, लोग देख रहे हैं कि निश्चित रूप से साजिश हो रहा है पूरे देश भर में। हर साजिश को बेनकाब किया जाएगा और किसी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। बिहार में सुशासन की सरकार है, कोई भी गड़बड़ी यहाँ नहीं होगा, ये हमें पूरा। जो आतंकी संगठन है वो अपना काम कर रहे हैं, नेटवर्क फैलाने में लगे हुए हैं, गड़बड़ी फैलाने में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार भी उतना ही मुस्तैदी से मुस्तैद है कि किसी भी तरह के साजिश को यहाँ पर फलने फूलने नहीं दिया जाएगा, हर साजिश को नाकाम कर दिया। तो मदरसों की जांच की बात कही है क्योंकि लगातार आपने देखा होगा पीएफआई कनेक्शन बिहार से किस तरह से पिछले कुछ दिनों में निकल कर सामने आया और कई सारे ऐसे आरोप लगे कि मदरसों में क्या इस तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं क्या। इसीलिए अब ये आवाज़ उठ रही है कि जो नीरज कुमार बबलू हैं उन्होंने कहा कि मदरसों की जाँच होनी चाहिए आतंकियों के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि एक आईबी ने दरअसल एक रिपोर्ट जारी की है उसमें इस बात का खुलासा किया है। और साफ साफ सरकार का ये कहना है कि किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियां अगर होती है उनको नाकाम किया जाएगा और ऐसे जो तत्व हैं उनको फलने फूलने नहीं दिया जाएगा बिहार में। तो आईबी की इस रिपोर्ट के बाद अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है, प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई है जिसमें नीरज कुमार बबलू ने कहा कि बिहार में जो मदरसे हैं दरअसल उनकी जांच होनी चाहिए। तो पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा जिस तरह से गतिविधियां बढ़ी हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद ये एक आवाज उठने लगी है कि मदरसों में दरअसल जांच की जाए। और कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तो सब एकदम साफ हो चुका है, जो बीजेपी जीरो टॉलरेंस की दुहाई देती है आज उनके मंत्री दिनेश खटीक का इस्तीफा इस बात का प्रमाण है। बीजेपी सरकार में सिर्फ एक उद्योग चल रहा है, वो है भ्रष्टाचार का उद्योग। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और दलितों के प्रति झूठे दिखावे का प्रेम मंत्री श्री दिनेश खटीक के इस्तीफे के साथ बाहर आ गया, कलाई खुल गई। पहले ही कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर लगातार सवाल कर रही थी कि प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन भाजपा सरकार हर बार उनको ढकने का प्रयास करती रही। हाथरस, उम्बा, लखीमपुर, आजमगढ़ जैसी घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने दलितों को लेकर कोई काम। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।